दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स टीम के एक और बड़े मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में। तीसरा ये वनडे मुकाबला खेला जाएगा इस सीरीज का जो कि खेला जाएगा 3 जुलाई को मॉर्निंग में 10 बजे से। अब मुकाबला कहां पर होगा? मुकाबला होगा गली इंटरनेशनल स्टेडियम के ग्राउंड पर। क्या यहां की पिच रहेगी, कौन सी प्लेइंग 11 उतर सकती है, किस प्लेयर को हमें ग्रैंड लीग में लेना है, किसे हमें स्मॉल लीग में लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। 40,000 से ज्यादा यूजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोजाना टेलीग्राम पर आपको फ्री एंट्री मिलती है, साथ साथ फाइनल टीम भी मैं टेलीग्राम पर ही देता हूं। लेकिन ध्यान ये रखना है जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसी लिंक से आप फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, इस बात को भी नोट करके चलिएगा। बात कर लेते हैं यहां से हम ग्राउंड स्टेट्स के बारे में। तो टोटल जो यहाँ पर ओडीआई के मुकाबले खेले गए हैं वुमेंस ओडीआई के, वो 4 मुकाबले हुए हैं। उसमें से 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने जीते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 200 का है, वुमेंस मैच के नज़रिए से अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। हाईएस्ट 329 का बना है, लोवेस्ट यहाँ पर 98 का बना है। स्कोरिंग पैटर्न आप देखो, 200 से कम 2 बार बने हैं, 300 से ऊपर 1 बार गया है और 200 से 249 के बीच में 1 बार स्कोर बना है। अब फ्रेंड्स वुमेंस मैच में 300 से ऊपर का स्कोर बनना बहुत अच्छी बड़ी बात मैं कह सकता हूँ। हालांकि बहुत बड़े प्लेयर्स ये होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 200 के करीब स्कोर इस मैच में, मेरे हिसाब से 225 के करीब स्कोर इस मैच में देखने को मिल सकता है। लास्ट के कुछ जो मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं उसमें अगर हम देखें तो जो स्कोर बना है 170 और 172 जो कि 27 ओवर में बन गया था एक ही विकेट को खोकर, वहीं पर 329 और 218 पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकूल हमें ये विकेट नज़र आता है। बात कर लेते हैं हम यहाँ से रिसेंट फॉर्म के बारे में। एक चीज़ और नोट करवा दूं, अगर न्यूजीलैंड टीम की पहले बल्लेबाजी आती है तो कहीं ना कहीं 280 के करीब का स्कोर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी होती है तो 220-230 के करीब का स्कोर यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। रिसेंट फॉर्म की बात करें, श्रीलंका वुमेंस टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में इन्होंने भी 2 मुकाबले जीते हैं, 2 रद्द हो गए थे। हेड टू हेड के 12 मुकाबले हुए हैं, उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मुकाबले, श्रीलंका की टीम ने 1 मुकाबला जीता है। न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें श्रीलंका की टीम से, विश्मी गुणरत्न गए, हर्षिता माधावी, चमारी अट्टापत्तू, नीलाक्षी डिसिल्वा, ए संजीवनी, कविशा दिलारी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, उषादी राणा सिंघे, काव्या, सुगंधिता कुमारी, यू प्रबोधनी और इनोका राणा बिना तो कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकती है श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11। लास्ट मैच में श्रीलंका की टीम से जो हमने गेंदबाजी देखी थी, यू प्रबोधनी ने 9 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए थे, के ने कविंदी ने 2 ओवर में 17 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था, उषादी राणा सिंघे 10 ओवर 68 रन 3 विकेट, बहुत कंसिस्टेंट ऑलराउंडर है उषादी राणा सिंघे, हर मैच में आप देखो कहीं ना कहीं विकेट आपको निकालती हुई नजर आ जाती है। फिर सुगंधिता 10 ओवर में 80 रन देकर 1 विकेट, इनोका राणा वीरा 8 ओवर में 56 रन देकर 1 विकेट, फिर कविशा दिलारी इन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी, हालांकि 7 ओवर में 44 रन दिए विकेट नहीं मिला, और अट्टापट्टू ने 4 ओवर में 23 रन दिए। स्टार्टिंग के ओवरों में यू प्रबोधनी और काव्या गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है, लास्ट के ओवरों में राणा सिंघे और इनोका राणा वीरा आपको गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है। इन दोनों गेंदबाजों को तो हमें लेना ही पड़ेगा, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी दोनों की दोनों। न्यूजीलैंड की टीम से बात करूं तो सुजी बैट से बर्नाइन, अमेलिया केर, सोफिया डिवाइन, मेडी ग्रीन, जॉर्जिया प्लिबर, बी हॉलीडे, हेलीडे, हन्ना रोवे, लिया ताहू, इडेन कार्लसन और फ्रेंक जोन्स, बहुत बेहतरीन टीम है। काफ़ी आगे एसके एप ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आप एक ही बल्लेबाज ले सकते हो, बाकी आप ऑलराउंडर गेंदबाज ले सकते हो, तो इन ऑलराउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की आप कोशिश करने का, न्यूजीलैंड के प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा लेने की आप वहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही टीम के 10 प्लेयर भी आप लेकर चल सकते हो। बात कर लेते हैं इस टीम की लास्ट मैच की गेंदबाजी के बारे में। हन्ना रोवे ने 7 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया था, सोफिया डिवाइन 4 ओवर 15 रन देकर 1 विकेट, लिया ताहू 8 ओवर 31 रन देकर 4 विकेट, कार्लसन 10 ओवर 1 मेडल 41 रन 2 विकेट, अमेलिया केर 10 ओवर में 1 मेडल 34 रन 1 विकेट, एफ जोन्स 34 गेंदे की थी 29 रन दिए थे 1 विकेट, और हेलीडे ने 3 ओवर में 20 रन दिए कोई विकेट नहीं मिला था। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, मेरी फंक्शन से आया था, तो कहीं ना कहीं मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी कवर करने की भी कोशिश करूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। स्टार्टिंग और लास्ट ओवर गेंदबाजों की बात करें, हन्ना रोवे और सोफिया डिवाइन आपको स्टार्टिंग के ओवरों में गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है, लास्ट के ओवरों में अमेलिया केर और लिया ताहू आपको गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं टॉप फैंटेसी प्लेयर के बारे में बात करूँ, हालांकि न्यूजीलैंड के सारे ही सारे प्लेयर टॉप फैंटेसी प्लेयर ही हैं, 1-2 प्लेयर को छोड़ के, लेकिन अगर हम बात करें टॉप 5 प्लेयर के बारे में जो कि न्यूजीलैंड टीम से बहुत कमाल के प्लेयर हैं, सुजी बेट्स,
अमेलिया केर, सोफिया डिवाइन, लिया ताहू और एडन कार्लसन, ये पांच प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हें मैंने लिखा है सिर्फ ग्रैंड लीग प्लेयर के तौर पर। फिर श्रीलंका टीम से बात करें, चमारी अट्टापट्टू, कविशा दिलारी, इन दोनों को तो हमें लेना ही पड़ेगा, दोनों बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करती है। फिर उषादी राणा सिन्हे, सुगंधिता कुमारी और इनोगा रेनाविरा, तीनों टीम की कंसिस्टेंट और मेन गेंदबाज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन तीनों गेंदबाजों को श्रीलंका वुमेंस टीम से। अब बात कर लेते हैं मेरी टीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर सेक्शन में एक ही अच्छी ऑप्शन है, वो है बर्नाइट, तो मैंने बर्नाइट को अपनी टीम में ले लिया। एक यहाँ से मैंने बल्लेबाज लिए क्योंकि इस ऐप पर हम सिर्फ एक बल्लेबाज लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी आप ऐसे हैं जिनमें तीन बल्लेबाज लेने होते हैं, उसके टीम भी आगे लेने वाला हूँ। फिलहाल मैंने सिर्फ सुजी बैट्स को अपनी टीम में लिया है। पांच ऑलराउंडर लिए हैं, चमारी अट्टापट्टू, सोफिया डिवाइन, अमेलिया गेर, उषादी राणा सिंघे और मैंने लिया है यहाँ से कविशा दिलारी को। चार मैंने गेंदबाज लिए हैं, इनोका रानाविरा, लिया ताहू, हन्ना रोवे और मैंने यहाँ से ली है इडन कार्लसन। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, हन्ना रोवे की जगह फ्रेंड जोन्स को आप लेकर चल सकते हो, सुगंधिता कुमारी को आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं एच रोवे को लेकर चलूँगा। कप्तान जो मेरी होगी, हालांकि मोस्टली लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन सेम ही होने वाली है, वो होगी अमेलिया केर और सोफिया डिवाइन। इन दोनों में से आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हो, हालांकि अमेलिया केर की रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए टीम का प्रीव्यू देखते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो टीम है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। चमारी अट्टापट्टू, उषादी राणा सिंघे, इनोका रानाविरा, तीनों मेन प्लेयर है श्रीलंका वुमेंस टीम से। फिर यहाँ से मैंने लिया ताहू, हन्ना रोवे, सोफिया डिवाइन, सुजी बेट्स, बर्नाइट को मैंने लिया है। यहाँ से अमेलिया के, इडन कार्लसन और कविशा दिलारी, चार मैंने श्रीलंका वुमेंस टीम के प्लेयर लिए। चारों के चारों टीम के मेन प्लेयर है और चारों के चारों कंसिस्टेंट प्लेयर है। चारों जितनी अच्छी मतलब बल्लेबाजी की, स्पेशली बात करूँ रानाविरा और उषादी राणा सिंघे, दोनों टीम की मेन गेंदबाजी, और अट्टापट्टू और दिलारी काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है इस टीम की। बाकी आप टीम देख ही सकते हो, कैप्टन मेरी अमेलिया केर होगी, वाइस कैप्टन मेरी सोफिया डिवाइन होगी। अब बात करता हूँ माई मास्टर इलेवन ऐप की टीम के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरी माई मास्टर इलेवन ऐप की टीम में बहुत ही कमाल का ऐप है। अगर माई मास्टर इलेवन ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कीजिए। फ्रेंड्स, रोजाना यहाँ पर फ्री एंट्री मिलती है, फ्री में खेलकर भी आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो, बहुत बड़े ऑफर यहाँ पर रोजाना चलते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम के लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको फाइनल अपडेट मिलती है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप सभी के लिए फ्री है। टीम देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी टीम चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर मिनिमम तीन बल्लेबाज हमें लेने ही होते हैं। पहले वाले ऐप में सिर्फ एक ही बल्लेबाज हमने लिया था, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ से आप देखो, बर्नाइट को मैंने लिया है, सुजी बेट, सोफिया डिवाइन, लिया ताहू, अमेलिया केर, इडन कार्लसन, चमारी अट्टापट्टू, उषादी राणा सिंघे और इनोका रानाविरा। यहाँ पर मुझे लेना पड़ा मीनाक्षी डिसिल्वा और हर्षिता माधवी को, हालांकि दोनों में से मैं किसी भी प्लेयर को लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मिनिमम तीन और एक टीम के कम से कम चार प्लेयर लेने होते तो भैया इनको तो मुझे लेकर चलना ही पड़ेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपके हिसाब से आप इनमें से चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा शायद यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करना भूल गया हूँ, एक दो तीन यहाँ तक तो मेरी टीम फिक्स रहेगी। हाँ, यहाँ पर आप मेडी ग्रीन या एक प्लेयर, चार प्लेयर की हम बात करते हैं, एक प्लेयर आप चेंज कर सकते हो, मेडी ग्रीन को अपनी टीम में ले सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के मैंने एक दो तीन चार पाँच छः प्लेयर लिए हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, हर्षिता माधवी की जगह यहाँ पर आप चेंज करके मेडी ग्रीन को अपनी टीम में ले सकते हो, मतलब न्यूजीलैंड की कोई भी अच्छी प्लेयर अगर खेल जाती है तो आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो। बाकी एक परफेक्ट टीम मुझे नजर आती है। कोई भी चेंजेस करूँगा इस टीम में, मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।